ऐसी रेसिपी है जो आराम से तैयार भी हो जाती है बहुत जल्दी और टेस्ट भी उसका यमी होता है। तो चलिए क्यों ना आज एक चाइनीज स्टाइल का सूप सीखा जाए। मैं आपको सिखाऊंगी, मैं यानी कि वर्यम आप सभी का स्वागत करती हूँ देसी शेफ में, जहाँ आज हम सीखेंगे स्पिनच नूडल्स सूप बनाना, वो भी एकदम चाइनीज स्टाइल में। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए इंग्रेडिएंट्स। 4 से 5 ताजे मशरूम्स पतली फांके किए हुए, 1 मीडियम साइज की गाजर लंबे पतले टुकड़े की हुई, 1/2 मीडियम साइज की शिमला मिर्च पतले लंबे टुकड़े किए हुए, 8 से 10 पालक की पत्तियां बारीक कटी हुई, 40 ग्राम एगलेस नूडल्स, 4 से 5 कप वेजिटेबल स्टॉक, 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 से 3 लहसुन की कलियां मसली हुई, 1 सूखी लाल मिर्च बीज निकालकर कटी हुई, 1/4 छोटा चम्मच सफेद मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच व्हाइट विनेगर, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले आप एक पैन में तेल गरम करें, उसके बाद उसमें लहसुन डालकर 1/2 मिनट तक के लिए भूने। अब मशरूम्स, गाजर और शिमला मिर्च डालकर इसे चलाएं और दो मिनट तक के लिए इसको भूने। अब लाल मिर्च डालकर हम फौरन स्टॉक डालेंगे और इसे चलाएंगे। इस मिक्सचर में एक उबाल आने देंगे और फिर उसमें नूडल्स डालकर धीमी आंच पर यानी कि लो टेम्परेचर पर हम 3 से 4 मिनट तक के लिए इसे उबालेंगे। बीच बीच में आप इसे जरूर चलाते रहें। अब सफेद मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसमें विनेगर डालेंगे और अच्छे से हिलाएंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई पालक डालेंगे और उसे अच्छे से उबाल लेंगे। पक गया है, इसे आंच से अब हम उतार लेंगे। गर्मा गर्म स्पिनच नूडल सूप एकदम तैयार है, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप नूडल्स की मात्रा यानी कि नूडल्स की क्वांटिटी अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसे कंप्लीट डाइट बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज्यादा नूडल्स डाल सकते हैं, ताकि आपका पेट भी भर जाए और टेस्ट भी बना रहे। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।